शपथ ग्रहण से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी। 50 मिनट तक गोरखपुर के माधव धाम में चली मुलाकात। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने तैयारियों का जायजा लिया। 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। पार्टी में अपनी भूमिका पर बोले उत्तर प्रदेश बीजेपी नेता दिनेश शर्मा। कहा, संगठन जो जिम्मेदारी देगा निभाऊंगा। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने अपने घर पर की बैठक। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। सरकार गठन को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड के सीएम फेस को लेकर कवायद शुरू हुई। सोमवार को विधायक दल की बैठक संभव। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, 2 से 3 दिन में तय होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। मदन कौशिक ने जताई उम्मीद, पीएम मोदी जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत जारी। सपा सांसद एसटी हसन ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। एसटी हसन ने कहा, इस फिल्म में समुदायों में नफरत और भेदभाव पैदा हो रही है जिसके कारण बिगड़ सकते हैं देश के हालात। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की घटनाओं की फिर से जांच के लिए एसआईटी की मांग की। आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी में होगा शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल का विलय। शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से बगावत कर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपना अलग दल बनाया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने यूपी के बिजनौर के रहने वाले एक गैर कश्मीरी मजदूर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलवामा के शोपियां में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, 3 जवान घायल। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी में मारे गए मेडिकल छात्र नवीन शिखरप्पा का पार्थिव शरीर कल यानी कि सोमवार सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा। पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट के हावेरी ले जाया जाएगा। यहां से खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के छात्र नवीन की 1 मार्च को गई थी जान। राजस्थान के सीएम के बेटे वैभव गहलोत पर एफआईआर दर्ज। ई टॉयलेट टेंडर दिलाने के नाम पर 6,80,00,000 की धोखाधड़ी का आरोप। वैभव गहलोत सहित 14 पर केस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के नए हेरिटेज पार्क का करेंगे उद्घाटन। मुगल शैली में बनाया गया है पार्क। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक खुली जगह में बनाया गया हेरिटेज पार्क। गंदगी और अतिक्रमण को हटाकर बनाया गया पार्क। कोरोना से मौत पर मुआवजे का दावा करने के लिए 4 हफ्ते की डेडलाइन निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली एनसीआर में अभी से गर्मी हुई प्रचंड। आज का अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 14वें इंडिया जापान समिट का आयोजन। दोनों देशों के पीएम ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात की। बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, भारत में जापान अगले 5 साल में 3.2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। पीएम मोदी ने कहा, जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत में काम करने वाली जापानी कंपनियों को मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने समृद्धि और साझेदारी को बताया भारत जापान संबंध का आधार। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में हो रहा है काम। जापान के पीएम का बयान, बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत। हम दोनों देश मिलकर युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। जापान के पीएम ने कहा, कई वैश्विक घटनाओं से दुनिया हिल गई है। भारत जापान ने घनिष्ठ साझेदारी बहुत जरूरी। चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक। 1 महीने में 25,000 सरकारी नौकरियां निकलने का हुआ फैसला। बैठक के बाद सीएम मान ने बताया, पुलिस में निकालेगी 10,000 नौकरियां, 15,000 नौकरियां दूसरे सरकारी विभागों में निकाली जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने मान कैबिनेट के पहले फैसले के लिए उन्हें बधाई दी। कहा, लोगों को बेहद खुशी होगी, उन्होंने सही सरकार चुनी। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का मान कैबिनेट फैसले पर तंज। कहा, पहले भी कई ऐलान हुए, मंजूरी भी मिली लेकिन अमल नहीं लाया गया। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, भगवंत मान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, पूरे मन से लोगों के हित को लेकर करेंगे काम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शेयर की यूक्रेन पर हमले की तस्वीर। फाइटर के कॉकपिट से बनाया बमबारी का वीडियो। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ रहे टैंकों और मिलिट्री गाड़ियों की तस्वीर भी जारी की। रूस की सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन में आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से किया गया हमला। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम इलाके में यह हमला। रूस ने लड़ाई में पहली बार यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल ने टारगेट को पूरी तरह से तबाह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मिसाइल ने यूक्रेन की सेना के अंडरग्राउंड हथियार डिपो को तबाह किया। रूस ने किसी लड़ाई में पहली बार किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। रूस ने मिसाइल को MiG-31 के लड़ाकू विमान में किया है तैनात। यूक्रेन के चर्नोहाइव में रूसी एयरफोर्स की भारी बमबारी, आग का गोला बनी इमारत। दक्षिणी यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, दर्जनों की मौत।
अमेरिका के रक्षा सचिव ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की, रूसी हमले को क्रूर बताया। यूक्रेन पुलिस अधिकारी की अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से अपील, हमें लड़ाई के लिए जल्द दें आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम। पुलिस अधिकारी की जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों से कहा, आपने हमें मदद का भरोसा दिया लेकिन हमें जो मिला वो काफी नहीं। मारियोपोल के अधिकारी ने कहा, हमारे शहर के आम नागरिकों की रक्षा करें, पीड़ितों में महिलाएं बच्चे और बूढ़े शामिल। पुलिस अधिकारी ने जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों से कहा, हमारा शहर सीरिया बनने के कगार पर है, शहर की इमारतें नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के लवीव में आम नागरिक ले रहे हैं युद्ध की ट्रेनिंग, हथियार चलाना और फर्स्ट एड का ले रहे हैं प्रशिक्षण। बेलारूस के स्थानीय लोगों का दावा, यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत की संख्या को छिपाया जा रहा है, रात में ट्रेन से भरे जा रहे हैं रूसी सैनिकों के शव। पोलैंड से वापस यूक्रेन के लवीव लौटी यूक्रेनी महिला, कहा, मैं एक सिपाही हूं, देश की खातिर लड़ूंगी, पोलैंड में काम करती है महिला। भारत की मिशनरीज ऑफ ट्रस्ट की कई नन यूक्रेन में युद्ध पीड़ितों की कर रही है मदद। एमओसी की सिस्टर जोसेफ बोली, हमारी 5 बहनें कीव में लोगों की कर रही है सेवा। पोलैंड की राजधानी वार्सा में लंबी लाइनों में लगे यूक्रेन से गए शरणार्थी, पोलैंड में रहने के लिए आईडी मिलने का कर रहे हैं इंतजार। रोम के वेटिकन चाइल्ड हॉस्पिटल पहुंचे पोप फ्रांसिस, यूक्रेन से आए बच्चों के इलाज को लेकर डॉक्टर से बातचीत की। पोप फ्रांसिस बच्चों से जाकर मुलाकात करते नजर आए, बच्चों को चॉकलेट्स दी। पोप ने बच्चों से बात कर जल्द उन्हें ठीक होने का भी आशीर्वाद दिया। यूक्रेन में रुके लोगों की मदद के लिए काम कर रही कई संस्थाएं राशन और खाने पीने का सामान लेकर शेल्टर में रह रहे लोग तक पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के कीव में रूसी हमले में बर्बाद हुई कई इमारतें, कई लोग बेघर हुए, हमले में घरों का नामोनिशान मिटा। यूक्रेन में कीव में शाम ढलते ही आसमान में छाया धुएं का गुबार, एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके से उठ रहा है ये धुआं। यूक्रेन के मारियोपोल में लगातार रेस्क्यू जारी, करीब 800 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, सभी लोगों को एक स्कूल में रखा गया। यूक्रेन के चर्नोहाइव में अमेरिकी नागरिक की मौत, अपने साथी की मदद के लिए यूक्रेन में रुके थे। यूक्रेन के मारियोपोल के रिहायशी इलाकों में रूस का हमला, चारों तरफ दिख रहा मलबा, 80% इमारतें बन चुकी हैं खंडहर। बिहार में पुलिस कस्टडी में मौत पर हंगामा, बेतिया में ग्रामीणों ने थाना फूंका। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, हवलदार की मौत, 10 से अधिक जवान घायल। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग को जाम कर यातायात ठप किया। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया, बीती देर शाम तक होता रहा हंगामा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होली के दिन डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने वीडियो के आधार पर 20 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में होली के जश्न पर मधुमक्खियों का डंक, आईजी आवास पर होली मना रहे पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी, आवासीय परिसर में चल रहा था गाना बजाना। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में होटल के लिफ्ट के गड्ढे में गिरकर डॉक्टर की मौत, परिवार ने होटल के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की, शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। पश्चिम बंगाल के राणाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमला बोलते नजर आए, बोला, द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लौट रहा था, कार पर फेंका गया बम। जगन्नाथ सरकार ने कहा, हमले में हम बाल बाल बचे, पुलिस 10 मिनट के बाद मौके पर पहुंची। मणिपुर के इम्फाल में योशांग उत्सव मनाया गया, कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद मनाया गया उत्सव। केरल में चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, सरकार से प्रैक्टिकल को मान्यता देने की मांग की। जयपुर के रहने वाले एक शख्स ने सिंगापुर में नौकरी छोड़कर जैविक खेती की शुरुआत की, बोले, बाजार में अच्छा पैसा मिलता है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में मनाया गया होली मोहल्ला, भारी तादाद में जुटी लोगों की भीड़। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लोगों ने हुरंगा होली मनाई, जमकर उड़े रंग और गुलाल। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू, चौपाल समेत सभी पुरानी परंपराओं को दर्शाया गया। तमिलनाडु में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 118 मरीज रिकवर हुए, एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। कर्नाटक में कोरोना के 173 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 153 मरीज रिकवर, 2 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 29 नए केस, बीते 24 घंटे में किसी की भी मौत नहीं, सक्रिय मामले 315। केरल में कोरोना के 719 नए केस आए सामने, बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने जान गंवाई, 915 मरीज रिकवर भी हुए। लक्ष्य सेन की ऐतिहासिक जीत, 21 साल बाद कोई भारतीय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। लक्ष्य सेन ने 3 गेम में मुकाबला जीता, सेमीफाइनल में मलेशियाई खिलाड़ी को 21-13, 12-21 और 21-19 से हराया। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद ही जीत पाए हैं ये टूर्नामेंट, गोपीचंद ने 2001 में जीता था ये खिताब।
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन सिर्फ चौथे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, भारत को 3 गेंद रहते 6 विकेट से हराया। भारतीय महिला टीम की रहा मुश्किल, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका को हराना जरूरी। कप्तान मिताली राज ने फील्डर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा, बोली फील्डर्स ने गेंदबाजों का साथ नहीं दिया। पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया नंबर 4 पर, 22 मार्च को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। भारत की पूजा वस्त्राकर ने इस महिला वर्ल्ड कप में लगाया सबसे लंबा छक्का, 81 मीटर का छक्का लगाकर स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ा। 200 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी झूलन गोस्वामी, टीम ने स्पेशल कैप देकर सम्मानित किया। एशिया कप की तारीखों का ऐलान, इस साल अगस्त और सितंबर में होगा आयोजन। भारत पाकिस्तान में भी होगा मुकाबला, श्रीलंका करेगा टूर्नामेंट की मेजबानी। बीसीसीआई सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया गया, 2024 तक बने रहेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 38 रनों से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। शाकिब अल हसन बने प्लेयर ऑफ द मैच, 64 गेंदों में बनाए 77 रन। एशिया कप आर्चरी टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत का शानदार प्रदर्शन, 2 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल जीते। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने रचाई शादी, भारतीय मूल की विनी रमन संग शादी के बंधन में बंधे। 21 मार्च से मिल सकती है आईपीएल की टिकट, वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई और केकेआर के बीच 26 तारीख को होगा पहला मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।